सेकंड फ्लोर के बालकनी से अनामिका साड़ी बहुत कस के पकड़ी हुई थी। रमेश उसी साड़ी को पकड़ते हुए लटक रहा था और डरते हुए कह रहा था, ये क्या अनामिका, एक सिल्क साड़ी के लिए तुम अपने पति को बालकनी से लटका दी हो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। कोई गलत काम नहीं, कोई पाप नहीं और मैंने किसी को कोई ठगा नहीं है। कहिए सिल्क साड़ी खरीद देंगे, नहीं तो मैं इस साड़ी को अभी के अभी हाथ से छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं अनामिका, तुम्हें पता है ना सफेद साड़ी में तुम अच्छी नहीं दिखोगी। अरे सेकंड फ्लोर से गिरोगे तो बस हाथ पैर ही टूटेंगे, लेकिन तुम जिंदा ही रहोगे। हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता था, इसीलिए अगर आपके हाथ पैर टूटे भी ना तो वो फिर से जुड़ जाएंगे। मैंने फेमस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात करके रखी है। 25,000 की साड़ी के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं माँ को फोन करके बोलूँगा। वह सासू माँ ससुर जी को पकड़ के रखी है। ऐसा क्या, यहाँ मेरी परिस्थिति ऐसी है और वहाँ पिताजी की परिस्थिति वैसी है। इस तरह रमेश सोचता है और पिताजी पर उसे बड़ी दया आती है। उधर शारदा गुस्से से किचन में खड़ी होकर एक एक बर्तन उठाकर हॉल के तरफ फेंक रही होती है। प्रसाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए एक तौलिया से अपने सर को ढककर वो सोफे पे बैठे हुए थे। शारदा एक हाथ में बेलन और दूसरे हाथ में छलनी लेकर सीधा किचन से प्रसाद के पास हॉल में आती है। प्रसाद उसे देखकर बड़े ही घबरा जाते हैं। मैंने आपसे नहीं कहा है कि मेरे लिए तरह तरह के जेवर ला के दीजिए? वो तो नहीं शारदा। नहीं, आपसे मैंने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। वो तो नहीं मांगा। बस इतना ही तो कहा है कि मेरे लिए एक अच्छा कमरबंद बनवा दीजिए। आ शारदा, पर तुम्हारे कमर के लिए कमरबंद। इससे पहले कि प्रसाद अपनी बात पूरी करते, शारदा चिल्ला कर कहती है, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस बताइए बन पाएगा या नहीं। इस तरह से कहने पर प्रसाद मन ही मन सोचने लगते हैं, ठीक है अभी के लिए तो इस मुसीबत से मुझे निकलना होगा, नहीं तो ये सड़ पे चढ़ जाएगी। अभी शारदा का दिल रखने के लिए मैं उसे हाँ कह देता हूँ, बाद में मैं उसे समझाऊंगा और आखिरकार वो धीरे धीरे कमरबंद के बारे में भूल जाएगी। वो मन ही मन सोचते हैं, फिर आवाज ऊंची करके वो कहने लगते हैं, जरूर तुम्हारे कमर के लिए कमरबंद बनवाऊंगा, पर उसके लिए हमें ढेर सारे पैसे भी तो चाहिए। फिलहाल मेरा ट्रैवल बस ठीक से चल नहीं रहा है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो शारदा। उसके लिए मैं क्या करूं? अभी बस अपने दिल को थोड़ा बड़ा करो और मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं तुम्हें जरूर बनवा के दूंगा। प्रसाद के इस तरह से कहने पे शारदा मन ही मन सोचने लगती है। अगले दिन रोड किनारे चाय के स्टॉल के पास खड़े होकर प्रसाद सूट बूट में और रमेश फाइल्स हाथ में लिए दोनों चाय पी रहे होते हैं। बेटा रमेश, जिस बारे में मैंने तुम्हें कहा था उस बारे में कुछ सोचा क्या? सोचा है पिताजी, पर उसके लिए भी हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हमारे ट्रैवल कंपनी को इतना ज्यादा घाटा हो रहा है, अगर फिर से घाटे की बात करोगे फिर तो झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पिताजी मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अपनी तरकीब आपको बता सकूं। ठीक है बेटा, चलो बाकी बात हम गाड़ी में बैठ के कर लेंगे। फिर दोनों चाय के दुकान के सामने से ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर जाने लगते हैं। रमेश गाड़ी चला रहा होता है। अब बताओ बेटा तुम्हारी तरकीब क्या है? फ्री बस पिताजी, हम कुछ दिन अपने ट्रैवल बस को पूरे शहर में फ्री में घुमाएंगे। कुछ दिनों के बाद बस में बैठने के लिए सब अपने अपनी सीट के लिए लड़ने लगेंगे, फिर धीरे धीरे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और बसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से हम मुनाफा कैसे कमाएंगे बेटा? वही पिताजी, मैं वही कहने वाला था। कुछ दिनों के बाद लोगों के कहने पे हम वो फ्री बसेस की सेवा बंद कर देंगे। हम कहेंगे आप लोगों में लड़ाई हो रही है, इसलिए आप लोगों के बीच इस तरह से लड़ाई ठीक बात नहीं है, इसी बात को हम नजर में रखते हुए भाड़े में थोड़ी कटौती कर देते हैं। आप लोग सभी से अनुरोध है कि इस तरह से बिना लड़ झगड़ के यात्रा का मजा ले। अब मुझे समझ में आया, पहले उन्हें हमारी बस की आदत लगा देंगे, उसके बाद जब उन्हें आदत लग जाएगी तो वो भाड़ा देके हमारे बस में ही चढ़ेंगे, यही ना? हाँ पिताजी बिल्कुल यही मतलब है। अरे बेटा तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रसाद रमेश की परिकल्पना की बहुत तारीफ करते हैं और गाड़ी से वो जाने लगते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे।
रमेश का फ्री बस का आइडिया अच्छा काम कर जाता है। हर दिन लोगों की भीड़ लग जाती थी बस में चढ़ने के लिए, ये देखकर वो बहुत उत्साहित होते थे। तभी एक दिन शारदा और बहू अनामिका दोनों हाथों में थैला लेकर दरवाजे के पास खड़ी होती है। जब वो दरवाजे के पास खड़ी थी, उन्हें प्रसाद देखते हैं। फिर वो कहने लगते हैं, अभी हमारे ट्रैवल फ्री बस इस तरफ आने वाली है। तुम सास बहू को देखकर लग रहा है कि तुम लोग जाके कुछ अलबल बोलने वाले हो। मुझे तो पूरा भरोसा है ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपको ऐसा लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहीं और नहीं जा सकते क्या? अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे जाते हो। तो खड़े खड़े देखिए हम कैसे जाते हैं। इतना कहकर सासू माँ शारदा और बहू अनामिका लगेज बैग उठा के सीधा दरवाजे के पास आती है। तभी दरवाजे के सामने रमेश आके खड़ा हो जाता है। माँ, आप लोग दोनों यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकती। अच्छा, तो बाप बेटे ने पहले से ही सोच के रखा है और दरवाजे के पास खड़े होकर हम दोनों पे नजर रख रहे थे। ये कही रही थी तभी प्रसाद वहाँ पे आते हैं। हाँ माँ, पहले से ही दरवाजे बंद है और उन दरवाजों पे पहले से ही चाबियाँ लगी हैं। कहीं आप दोनों दरवाजा तोड़ के बाहर ना चली जाए, इसलिए मैं और पिताजी ने सोचा कि ऐसा होने से पहले ही हम दोनों आपको रोक ले। ये ठीक बात नहीं है शारदा, मुझे वो चिकन नहीं मिला जो तुमने मांगा था। तुम भी मटन भूल गई, ऐसा तक कि अपना लिपस्टिक लाना भूल गई। मुफ्त का बस है इसका मतलब ये नहीं तुम लोग इस्तेमाल करो। हाँ माँ, मैं और पिताजी ने मिलके ऐसा सोचा है। हमारा ट्रैवल बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए हमने उसके लिए ये सब किया है ताकि हमारे व्यापार में थोड़ा सुधार आए। लेकिन तुम लोग सास बहू मिलके हमारे व्यापार का इस तरह से इस्तेमाल कर रही हो, ऊपर से धमकी भी दे रही हो। हम जो कहेंगे वो करोगे तो हम भी तुम्हें धमकी देना बंद कर देंगे। हाँ जी, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए ना। उनके बातों पर प्रसाद और रमेश अपना सर हिलाते हैं, जिस वजह से सास बहू भी अपना ट्रैवल प्लान वहीं पे स्थगित कर देती हैं। फिर प्रसाद और रमेश खुश होकर वहाँ से अपने ट्रैवल ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद सास बहू को लगता है ये अच्छा मौका है, ट्रैवल बस में बैठ के वो जरा बाहर से घूम फिर के मौज मस्ती करके आएंगी। ये सोचकर सास बहू ट्रैवल बस में चढ़ जाती है, फिर एक सीट में बैठ जाती है। उनके साथ क्रांति नाम की एक लड़ाकिन महिला भी बस में चढ़ती है। ये क्या, इस सीट में मैंने अपना नाक पोंछ के कपड़ा रखा है और तुम लोग आके सीट पे बैठ गई। चलो चलो उठो, मुझे इसमें बैठना है। इस सीट में कोई भी कपड़ा नहीं रखा था, जाओ जाओ हम नहीं उठने वाले हैं। मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मुझे लोग लड़ाकिन क्रांति कहते हैं। मैं आकर तुमसे पूछ रही हूँ और तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं भी तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ, कोई किसी से कम नहीं। अरे बौनी औरत, चुप हूँ तो मेरे सर पे चढ़ रही हो। ये सीट मेरा है, निकलो यहाँ से। गुस्से में आके क्रांति शारदा का झोटा पकड़ लेती है। इससे शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है। मुझे एक तो बौनी कहा, ऊपर से मेरा झोटा पकड़ा, तुम्हारी मैं। इतना कहकर शारदा भी क्रांति का झोटा पकड़ लेती है। फिर वो एक दूसरे का झोटा पकड़ के खींच के मारपीट करना शुरू कर देती है। माँ जी, बिल्कुल झुकिएगा नहीं, आपके पीछे मैं हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाऊंगी और मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी, उसके बाद आपकी जांच भी कराऊंगी। इस तरह से कहकर अनामिका अपनी सास का हिम्मत बढ़ाती है। उधर शारदा और क्रांति एक दूसरे के साथ लड़ी जा रही थी, एक दूसरे का सर का बाल वो छोड़ ही नहीं रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बालों को पकड़ा, मेरे पति ने कभी नहीं पकड़ा। लड़ाकिन बीवी से वो डरते होंगे इसीलिए उन्होंने कभी नहीं पकड़ा होगा। इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा कहा मुझसे, तुम्हारी मैं। ये कहकर क्रांति शारदा का बाल छोड़ के शारदा के गालों पे एक तमाचा कसके लगाती है। अनामिका इस बीच में घुसी नहीं, जैसे ही देखी क्रांति मार रही है, अनामिका वहाँ से निकल गई। शारदा भी क्रांति को धकेलती है और फिर वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर क्रांति खुशी खुशी जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कई जगह ऐसा हो रहा था कि महिलाएं एक दूसरे का झोटा पकड़ के मारपीट करने लगी थी। कई महिलाओं ने फैसला किया कि अब उन्हें ये फ्री बस की जरूरत नहीं। फिर एक दिन, पिताजी अब इस फ्री बस की वजह से कई लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, अब हमें इस फ्री बस की सुविधा को यहीं पे स्टॉप करना होगा। हाँ बेटा, मैं भी वही बात सोच रहा था, तो बताओ कब फुल स्टॉप करना है। हाँ जी,
ये फ्री बस बंद ही करवा दीजिए। एक सीट के लिए ना जाने बहन बहन में लड़ाइयां मारपीट भी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं पिताजी, जिन महिलाओं को कोई कामकाज नहीं वो तैयार होके जाके फ्री बस में बैठ जाती है और घूमने निकल जाती है। पूरा दिन घूम फिर के फिर रात को घर लौट आती है। ये भी तो ठीक नहीं है ना पिताजी? अगर ये ठीक नहीं है तो तुम्हें लोग बताओ क्या करने से ठीक रहेगा। प्रसाद के इस तरह पूछने पे जिनके मन में जो आता है वो सब एक एक करके खुल के बताते हैं। अच्छे से सोच विचार के बाद रमेश एक बात बताता है, सभी लोगों को वो पसंद आता है। हाँ, तुमने अच्छी बात कही है, हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, बेटे ने बहुत अच्छी तरकीब दी है। अब जब मेरे पति ने कहा है फिर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। सभी की सहमति मिलने पे वो बस का एक भाव रखते हैं और फिर बस चलाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आंगन में तंबू गाड़ा हुआ था। वहाँ प्रसाद और रमेश रसोईया शेखर को सुगंधित व्यंजन बनाने के बारे में बता रहे थे। बाबू, आप लोग खड़े होकर मुझे इतने सारे व्यंजन पकाने को कह रहे हैं, वैसे घर पे क्या उत्सव है? कुछ उत्सव है, सारे पकवान तैयार है ना? हाँ बाबू, आपके कहे मुताबिक सब तैयार है। इस तरह कहने पे रमेश उसे पैसे देता है। अगर आपके पकवान हमें पसंद आए तो कल हम आपको फिर से फोन करेंगे, आपको आना पड़ेगा। ठीक है बाबू। इतना कहकर पैसे लेकर शेखर वहाँ से चला जाता है। शारदा, अरे ओ शारदा, जोर से आवाज लगाने पे शारदा भागते हुए वहाँ पे आती है। घर पे क्या कर रही हो शारदा? हमारी मोटी और पेटू बहुरानी अनामिका के लिए बड़े बर्तन में चाय बना रही थी। तुम उसके लिए चाय बाद में बना लेना, जब तक मैं और बेटा लौट नहीं आते हैं यहीं बैठो। लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? गेट के पास माँ, जहाँ वो लोहे का चेयर मिलता है वहाँ। हाँ माँ, ठीक है, संभल के जाना। इस तरह कहकर प्रसाद और रमेश गेट लाने के लिए चले जाते हैं। वो खड़े होकर चारों तरफ देखने लगते हैं, पर कहीं भी उन्हें कोई ट्रक नहीं दिखता। पिताजी, एक बार ट्रक ड्राइवर को फोन करके जरा पूछिए, जो लोकेशन उसने भेजा था वो वहीं पे आ रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले ही फोन किया था तो कहा कि 10 मिनट में वो घर के पास होगा, देखते हैं। अगर उनके आने से पहले आपकी मोटी और पेटू बहुरानी अनामिका नींद से जग गई तो सोचिए क्या परिस्थिति होगी। एक और चेयर टूटेगी और क्या। ऐसा ना हो पिताजी, इसीलिए तो हम लोहे का चेयर लाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, अब क्या करें, ये सब हमारी किस्मत में लिखी है, बस मनाओ कि बहुरानी नींद से ना जगे। प्रसाद कह ही रहे थे तब तक उनके घर के सामने एक ट्रक आके रुका। ट्रक में एक बड़ी सी लोहे की चेयर रखी हुई थी। चेयर देखकर रमेश और प्रसाद बहुत खुश हुए। फिर रमेश और ड्राइवर मिलके उस चेयर को ट्रक से नीचे उतारते हैं। उसके बाद ट्रक वहाँ से चला जाता है। बेटा रमेश, हम दोनों मिलके चेयर अंदर ले जा सकते हैं? हम दोनों को ही मिलके ले जाना होगा, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। दोनों इस तरह बात करते हैं, फिर लोहे के चेयर को उठा के वो अपने टेंट के पास लेकर जाते हैं। उस लोहे के चेयर को देखकर शारदा कहती है, अजी क्या ये लोहे का चेयर सुरक्षित रहेगा, या फिर हमारी मोटी बहू जैसी इस लोहे के चेयर पे बैठेगी वैसी चेयर टूट जाएगी। नहीं शारदा, बहुत मजबूत लोहे से इस चेयर को बनवाया गया है, ये नहीं टूटेगी। अगर टूटी ना फिर मैं आप दोनों को बताती हूँ। वो कही रही थी तब तक, माँ जाओ जाके बड़े पतीले में चाय बनाओ, कभी भी अनामिका अब उठ सकती है, फिर वो पूछने लगेगी। इस लोहे के चेयर के पास लोहे का टेबल भी खींच के ले आओ। माँ वो सब हम संभाल लेंगे, तुम जाके पहले चाय बनाओ। इस तरह कहने पे शारदा घर के अंदर चली जाती है। तब तक उधर मोटी और पेटू बहुरानी अनामिका नींद से उठ के बिस्तर पे बैठती है। माँ जी, पीने के लिए पानी। जैसे वो आवाज लगाती है शारदा भागते हुए एक मग में पानी लेकर अनामिका के पास आती है। अनामिका पूरा मग का पानी पी जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाई है, मुझे बहुत भूख लगी है। जो जो बोली हो सब बनाई हूँ बहू। तो जहाँ पे खाना है वहाँ पे मुझे लेकर चलिए। इस तरह कहने पे शारदा अनामिका को अपना हाथ पकड़ने को देती है।
बस वैसे ही शारदा खुद ही नीचे धड़ाम से गिर जाती है। नाक के बल गिरने की वजह से शारदा का नाक लाल हो जाता है। अरे बहुरानी, ये क्या किया, मेरे नाक को चटनी बना दी। क्या कहा, नाक की चटनी? तो मुझे जरा चखने दीजिए, देखो जरा नमक मिर्च सब सही है कि नहीं। तुम्हें डांटने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। आप जाके रमेश और पिताजी को इधर भेजिए। तो इतना कहकर शारदा वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ पे रमेश और प्रसाद को पूरी बात बताती है। फिर वो दोनों जहाँ पे मोटी अनामिका थी वहाँ जाते हैं। दोनों कसके अनामिका को उठाते हैं और सीधा टेंट के पास ले आते हैं। वहाँ पे आके अनामिका लोहे के चेयर के ऊपर जाके बैठ जाती है। वहाँ टेबल के ऊपर गर्मा गर्म पकवान रखे हुए थे। उन स्वादिष्ट पकवानों के सुगंध से अनामिका की भूख और तेज हो जाती है। माँ जी, खाना परोस दीजिए, अब युद्ध शुरू कर सकते हैं। इस तरह से कहने पे शारदा एक बड़ा सा केला का पत्ता उसके सामने रखती है। फिर सारे पकवानों को एक एक करके परोस देती है। अनामिका का खाना अब शुरू होता है। प्रसाद और रमेश बस देख रहे थे, उनके मुंह से पानी टपक रहा था। ये देखकर अनामिका फिर कहने लगती है, अजी अब पिताजी मुझे ऐसे मत देखिए, नहीं तो नजर लग जाएगी। अभी आप लोग यहाँ से जाइए, मेरा खाना हो जाएगा तो मैं बुलाऊंगी, फिर आप दोनों आके मुझे उठा के बेडरूम तक छोड़ के आइएगा, अभी जाइए। अनामिका के इस तरह से कहने पे प्रसाद और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका खाने लगती है। आधा घंटा समय निकल जाता है। जितने भी पकवान पके थे सब खत्म होने को आते हैं। फिर एक रात मोटी और पेटू बहुरानी अनामिका बिस्तर पे लेटी हुई थी, उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अजी अजी सुन रहे हैं, अरे सुन रहे हैं। अनामिका जब इस तरह से कहती है, रमेश जो जमीन पे सो रहा था वो हड़बड़ा के उठ के अनामिका को देखने लगता है। अजी मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अस्पताल लेके चलिए। इस तरह कहने पे रमेश बहुत घबरा जाता है और वो भाग के माँ पिताजी के कमरे में जाके दरवाजा खटखटाने लगता है। वो भी घबराते हुए आके दरवाजा खोलते हैं। क्या बात है बेटा, इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या हो गया है तुम्हें? माँ अनामिका को लगता है बहुत पेट में दर्द हो रहा है। अब क्या होगा, अस्पताल ले जाने के लिए कार में वो अटेगी नहीं, ले जाने के लिए कुछ और बंदोबस्त करना होगा। बेटा रमेश, मैं ट्रक ड्राइवर को फोन करता हूँ यहाँ आने के लिए, तुम और माँ जाके अनामिका को उठा के बाहर ले आओ। इतना कहकर प्रसाद घर से बाहर निकल आते हैं। शारदा और रमेश अनामिका के पास जाते हैं जहाँ अनामिका दर्द से तड़प रही थी। अनामिका को वो बहुत ही सावधानी से उठा के बाहर लेके आते हैं। तब तक ट्रक आके खड़ा था। जैसे तैसे अनामिका को ट्रक पे चढ़ाया जाता है। फिर अनामिका के लोहे के चेयर को रस्सी से बांध के ट्रक के ऊपर खींचकर उठाया जाता है। आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद मोटी बहुरानी अनामिका को अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया जाता है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर साहब जांच करते हैं। वहीं पे रमेश, शारदा, प्रसाद तीनों खड़े थे। देखिए, ये जो मोटी महिला है, आप लोगों की क्या लगती है? डॉक्टर साहब, मैं इसकी सास हूँ। मैं इसका ससुर जी हूँ। और मैं इसका पति, मेरा नाम है रमेश। क्या इसे बहुत ज्यादा खाने की आदत है? हाँ डॉक्टर साहब, कोई ऐसा वैसा खाने की आदत नहीं। अगर हाथी के साथ प्रतियोगिता कराए तो जान लीजिए वहाँ पे भी मेरी बहू अनामिका ही जीतेगी। इतना ज्यादा खाती है इसीलिए आज ये परिस्थिति हुई है। डॉक्टर साहब के कहने पर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। इस तरह कहने के बाद अनामिका को जहाँ लिटाया गया था वहाँ उन तीनों को ले जाया जाता है। जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली तुम अनामिका, अगर मेरे कहे मुताबिक नहीं चले तो तुम मर सकती हो। अगर तुम इसी तरह खाना खाती रही तो बहुत जल्द मर जाओगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस तरह कहने पे अनामिका रोने लगती है। देखो अनामिका, अभी रोना धोना करके कोई फायदा नहीं है, अभी तुम्हें खाना कम करना पड़ेगा। तुम्हें वॉकिंग, जॉगिंग, रोज एक्सरसाइज करना होगा। जितना संभव हो तुम खाने से दूर रहो। करूंगी डॉक्टर साहब, मैं जरूर से ये सब कुछ करूंगी। डॉक्टर साहब, अभी वो कह रही है कि करेगी, पर घर जाके नहीं करने वाली। जैसे ही खाने का सुगंध मिलेगा वैसे ही वो खाना फिर से शुरू कर देगी,
और उसे रोक नहीं पाएंगे हम। हाँ डॉक्टर साहब, हमने कितना समझाया इसे पर ये कभी सुनी ही नहीं। अभी भी अगर ये बात नहीं सुनी तो आपकी बहू का ये जिंदगी का मामला है। अगर आपकी बहू चाहती है कि वो जिंदा रहे फिर हर एक चीज टाइम टेबल के साथ फॉलो करना होगा, और अगर नहीं पालन की तो किसी भी दिन ऊपर जा सकती है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जिंदा रहना है या ऊपर जाना है आप लोग खुद ही सोच लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा समय समय पे वॉकिंग जॉगिंग एक्सरसाइज हम अनामिका से सब कुछ करवाएंगे, तो क्या हम अपनी बहू को ले जा सकते हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, ले जा सकते हैं। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, समय समय पे अनामिका को आप लोग खिलाते रहें। इस तरह से कह के वो तीनों डॉक्टर साहब को नमस्ते कहते हैं, फिर ट्रक में बैठाकर अपनी मोटी बहू रानी अनामिका को वो घर वापस ले जाते हैं, और तब से डॉक्टर साहब के कहे मुताबिक अनामिका सब कुछ करने लगती है। आज की कहानी यहीं तक, नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।